कमरे पर एक चीटी को भेज दी। और जैसे ही चीटी को देखा प्रहलाद जी ने मन में विचार किया कि जब इस चीटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। जकड़ करके पकड़ा खंभे को और इसने तलवार निकाली और जैसे ही मारने को चला मेरे प्यारे हो तो खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान। और उस नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को अपने गोद में ले लिया और कहा, कहते हैं ना जब इसने तपस्या की थी ना हिरण्यकश्यप ने, तो वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे। तो आज वही नरसिंह भगवान कह रहे हैं, देख ले कहीं ऐसा तो नहीं तुझे दिया हुआ वरदान कोई झूठ हो रहा है। तूने मांगा था कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, देख ले तू न तो ऊपर है ना नीचे है, मेरी गोद में लेटा है। अरे तूने मांगा था कि बाहर भीतर में कहीं ना मरूं, देख ले ना तो बाहर भीतर भी चौकट के अंदर है। और तूने वरदान मांगा था ना तो किसी मनुष्य से मरूं और ना ही किसी जानवर से, न तो मैं जानवर हूं न मुझे कोई मनुष्य कह सकता है क्योंकि आधा घर शेर का है और आधा मानव का। और तूने मांगा था कि मैं किसी हथियार से न मरूं, देख ले हथियार भी नहीं है मेरे हाथ में, नाखूनों से फाड़ करके मार दिया, नाखूनों से फाड़ करके मार दिया। इधर हिरण्यकश्यप का तो वध कर दिया मेरे प्यारे, पर कहते हैं ना इतना क्रोध है भगवान को कि जो भी उनके पास जाता है तो भय भीत हो जाता है, कोई शांत तो नहीं कर पा रहा। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर इनका क्रोध शांत न हुआ तो सृष्टि पर कहीं गाजना जा जाए। लक्ष्मी जी से कहा तुम ही चली जाओ, क्यों? क्योंकि आप इनकी पत्नी हो। लक्ष्मी जी गई तो तार लगाई भगवान ने, लक्ष्मी को भाग खड़ी हुई, लक्ष्मी जो पीछे को भाग खड़ी हुई मेरे प्यारे। आप अंत में देखा कि अभी कौन शांत करे, तो समझ गए ब्रह्मा जी ने बालक प्रहलाद को ही भेज दिया, कहा कि जब भगवान किसी के बस में ना रहे तो वो भक्त भक्तों के बस में जरूर रहता है, क्योंकि भगत के बस में है भगवान, है ना, वो भक्तों के बस में है। और प्रहलाद डरते डरते गोविंद के पास नरसिंह भगवान के पास जा रहे हैं और जैसे ही पहुंचे ना तो मेरे नरसिंह भगवान बिल्कुल शांत हो गए और ऐसे शांत हुए ना कि आज उन्हें गोद में बिठा करके अपनी जीव से चाट रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहते हैं बेटा कहीं तुझे देर तो ना हो गई, कहीं मैं देर से तो ना आया, मुझे माफ कर देना क्योंकि तुझे बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा ना, ये है मेरा भगवान, माफ कर दे। हाथ जोड़ करके बैठे थे। अंत में भगवान ने कहा कि बेटा चल चल तू कुछ मांग ले, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। देखिए भगवान जब देने पे आता है ना तो दोनों हाथों से लुटाता है मेरे प्यारे, वसंत को लूटने वाला हो उससे लेने वाला होना चाहिए, हमें तो लेना ही नहीं आता और दोस्त दे देते हैं भगवान को कि भगवान देता नहीं। अरे भगवान तो देता है पर हम लेते नहीं। जब कहा प्रहलाद से कुछ मांग लो तो इधर मेरे प्यारे प्रहलाद कहने लगे बस आपका दर्शन हो गया सब कुछ मिल गया। भगवान ने कहा देखो मैं किसी को दर्शन देता हूं ना तो मेरा एक नियम है, मैं कुछ ना कुछ देता हूं, अब तुम्हें मांगना पड़ेगा। प्रहलाद कहने लगे अच्छा तो तुम देना ही चाहते हो तो अपनी दया अपनी भक्ति देना और मेरा एक काम कर दे। भगवान कहने लगे क्या? प्रहलाद कहते मेरा एक काम कर देना जो मेरे पिताजी हैं ना
ये आपके हमेशा शत्रु रहे हैं। पर कहते हैं ना शास्त्रों में पुत्र का धर्म होता है। मैंने एक धर्म निभाया कि मैंने भक्ति की, क्योंकि हर जीव को भक्ति करनी चाहिए। पर मेरा पुत्र धर्म भी है, तो जो मेरे मेरे पिता ने अपराध किया उन अपराधों को माफ करके उन्हें आप अपने चरणों में स्वीकार कर ले। देखिए ये किसका ज्ञान है, ये सत्संग का ज्ञान है। नारायण भगवान कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो, अरे अरे ये तो मैंने नियम बनाया है कि अगर परिवार के अंदर एक भी भक्त है तो उसकी मैं सात पीढ़ियां तार देता हूं। और साथ ही नहीं, सात पीढ़ी उन्हीं के घर की और सात पीढ़ी पड़ोसियों की, सात पीढ़ी उन्हीं के मित्र की और सात पीढ़ी उसके ननिहाल की। कितनी होगी? एक भक्त है, कितने लोग मर गए? ये है भक्ति का प्रभाव। और तुम कहते हो कि भगवान देवता क्या क्या चाहिए, चाहिए। पर ये कब मिलने वाला है? जब प्यार से बोलना पड़ेगा राधे। समझ जिंदगी को मेरे प्यारे, भगवान से लगन लगाई है, ठाकुर जी से लगन लगाई है और भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, ठाकुर जी मोरी लागी लगन मत वही समझ लेगा, क्योंकि भक्त ने कहा है कि मैं तो